डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस, है ना, फॉर ए गिवन नेटवर्क। ओके, नोडल एनालिसिस होता क्या है प्यारे बच्चों? नोडल एनालिसिस एक मेथड है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नोडल एनालिसिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइनल चार्ज कॉमा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। ओके, और प्यारे बच्चों, नोडल एनालिसिस क्या है? मेथड ऑफ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो एग्जाम्पल हम समझते हैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल वन, एक सर्किट नेटवर्क आपको गिवन है, ये 6 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये गिवन है 3 माइक्रोफेरेड। ओके, और यहां एक बैटरी कनेक्ट की गई है 20 वोल्ट। ओके, जो टोटल चार्ज है ना फॉलो कर रही है QF। ओके, ये सर्किट गिवन है और यहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं, चार्ज की वैल्यू पूछी जा सकती है ना। ओके, और पोटेंशियल पूछा जा सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछा जा सकता है। तो और सिंपल आपका सीरीज पैरेलल मेथड से भी आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। बट कभी कभी ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी। देखेंगे आप इस मेथड के बहुत अच्छे अच्छे यूज हमें आगे मिलेंगे। जो क्वेश्चन बहुत बड़ा सॉल्व होता है ना, वो बहुत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से। ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल में, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 0 पोटेंशियल और यहां कर लेंगे हम 20 वोल्ट पोटेंशियल। ओके, और यहां पर नोड जहां है ना, यहां कितना हो गया 20, यहां 0 पोटेंशियल और यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है, तो उसको हम नाम दे देंगे एक्स पोटेंशियल, एक्स वोल्ट। ओके, ये हो जाएगा। अब इस एक्स के लिए हम नोडल इक्वेशन लिखेंगे, है ना, नोडल इक्वेशन फॉर एक्स, नोडल इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए नोडल इक्वेशन, टोटल चार्ज हमेशा 0 रहेगा, है ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, तो चार्ज किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन को। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी, तो सी वी की वैल्यू 0। ओके, अब देखो एक्स से कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, 3, है ना, 6 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड का, है ना, तो यहां पर प्यारे बच्चों सी और वी का प्रोडक्ट कितना मिलेगा, वी कितना है एक्स माइनस ट्वेंटी पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इनटू में
सिक्स इंटू में कितना आ जाएगा सिक्स, है ना, सी की मल्टीप्लाई कर दी वी प्लस। अब फिर सेकेंड टू, तो यहां पर एक्स माइनस जीरो मल्टीप्लाई टू, ओके, माइक्रो फैरड है तो सभी यूनिट सेम है। यहाँ एक्स माइनस जीरो इंटू थ्री, है ना, एक्स माइनस जीरो इंटू थ्री इक्वल टू जीरो, यहां से इक्वेशन निकल जाएगी सिक्स एक्स टू एक्स थ्री एक्स, तो यहाँ पे सिक्स और टू एट, और ये आ जाएंगे इलेवन एक्स माइनस सिक्स टू जर 12 इक्वल टू जीरो। तो इजीली यहां से एक्स की वैल्यू निकल जाती है कितनी, 120 अपॉन 11। ओके, अब जैसे ही एक्स हमें मिला प्यारे बच्चों, तो एक्स मिलते ही यहां पर पोटेंशियल था कितना, 20 माइनस एक्स, तो ये वोल्टेज निकल गई कितने, 20 माइनस कितना, 20 माइनस 120 बाय 11, है ना, इतने वोल्ट आ गए अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 6 माइक्रो फैरड, है ना। और 20 में से ये माइनस कर दो, किस के बीच में पोटेंशियल आ जाएगा 3 माइक्रो फैरड और 2 माइक्रो फैरड। ओके, अब यहाँ टोटल चार्ज क्यू एफ की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, जैसे ही हमें एक्स पता चला, ऑल्सो क्यू एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक क्यू एफ का तरीका तो ये था कि इक्वेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते, है ना, और सी यानी कि सी इक्वेलेंट और वी से मल्टीप्लाई कर दे, तो टोटल चार्ज। एक तरीका यह है, यहां पर क्यू इक्वल टू कितना मिले, देखो यहां पर क्यू इक्वल टू क्या होता है सी, तो टोटल चार्ज 2 माइक्रो फैरड से जितना चार्ज जाएगा, 3 माइक्रो फैरड से चार्ज जितना जाएगा, वही कितना होगा क्यू एफ की वैल्यू होगी। तो क्यू एफ की वैल्यू हम अगर निकाले तो वो इक्वल आएगी सी इंटू कितना वी के, है ना, सी इंटू वी के। ओके, तो सी ये है और पोटेंशियल यहाँ पे कितना है एक्स है और यहाँ एक्स है, तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स हो जाएगा, कितना 2x+3, चार्ज कितना हो जाएगा 2, क्योंकि पोटेंशियल कितना x माइनस जीरो, ये भी कितना x माइनस जीरो, तो यहां हमें मिलेगा कितना 5x, तो 5 इंटू 120 अपॉन 11, तो 600 अपॉन 11 माइक्रो कूलम। ओके, ये हमें चार्ज मिल जाएगी, चार्ज की वैल्यू माइक्रो कूलम। और ऑल्सो अगर हमें निकालना है सी इक्वेलेंट, तो सी इक्वेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्वेलेंट होगा क्यू एफ अपॉन में वी, तो क्यू एफ कितना आया 600 अपॉन में 11 और 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 11 माइक्रो फैरड। ओके, तो सभी हम इस नोडल इक्वेशन बना करके हम सभी पैरामीटर्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और पोटेंशियल। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू हम लेते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ओके, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है प्यारे बच्चों, कि यहां पर फाइव कैपेसिटर से व्हीट स्टोन ब्रिज, और हम ये देखते थे कि अगर रेशियो ऑफ अपर आर्म और रेशियो ऑफ लोअर आर्म का इक्वल आ जाता था तो ये सी फाइव कैपेसिटर रिमूव कर देते थे, तो वो तो मेथड इजी था, और इसको यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ओके, ये अब ये वैल्यू है 2 माइक्रो फैरड और ये वैल्यू है 4 माइक्रो फैरड,
और ये वैल्यू दी है 6 माइक्रो फैरड और ये वैल्यू भी 6 माइक्रो फैरड, ओके, और ये 2 माइक्रो फैरड। अब देखो ये बैलेंस नहीं है, है ना, 2/4 6/6 है ना, 2/4 1/2 इज नॉट इक्वल टू 6/6 यानी कि 1, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर आपसे पूछा जाए इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर, तो अब मैं तो हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में और कौन से पैरेलल में, तो सीरीज पैरेलल का पता नहीं है, तो वहां ये मेथड बहुत हेल्पफुल होता है, कौन सा, नोडल एनालिसिस, है ना, जहां सर्किट का हमें पता ही ना हो कि कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल है, तो वहां हम यूज करें कौन सा, नोडल एनालिसिस मेथड। ओके, तो उसके लिए हम पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल में 0 वोल्ट और यहाँ पर हम लेट कर देंगे 100, ओके, और यहाँ पोटेंशियल कुछ नहीं है तो यहाँ एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पोटेंशियल नोड पर हमेशा पोटेंशियल डिफाइन कर लेने हैं 1, और अब एक्स और वाई के लिए नोडल इक्वेशन लिख देनी है ना, तो नोडल इक्वेशन, नोडल इक्वेशन फॉर एक्स, ओके, एक्स के लिए, है ना, देखो एक्स से कितने कैपेसिटर अटैच है, 1, 2, 3 कैपेसिटर अटैच है, तो यहां पर 2 × हमने क्या बताया था, सिग्मा क्यू इक्वल टू 0, और सिग्मा क्या होता है, सी बी इक्वल टू 0, तो यहां पर 2 × x − 100, ओके, इस कैपेसिटर के लिए लिखे 4 × x − 0 और थर्ड के लिए लिखे 2 × x − y = 0, एक इक्वेशन मिल जाएगी x में, 2 से 2 कैंसिल कर सकते, तो यहाँ x माइनस 100 2x और ये x कितने हो गए 2x x 3x और ये 4x, ओके, माइनस कितना y, ओके, और ये मिल जाएगा इक्वल टू 100, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, ओके, अब नोडल इक्वेशन लिख लेंगे इसी तरह से, नोडल इक्वेशन फॉर वाई के लिए, है ना, वाई से भी कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है, 3, है ना, 6, 6 और 2, तो यहाँ पर 6 × इस कैपेसिटर के लिए लिखेंगे हम सिग्मा क्यू इक्वल टू 0 लगाएंगे, तो 6 × y − 100 प्लस 6 × y − 0 प्लस इसके लिए y − x × 2 = 0, ओके, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी −2x यानी कि 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ओके, तो ये वैल्यू मिलेगी −x, ये 3y और ये 1y, 4y और 4 और 3 7y, ओके, और ये −300 का मतलब 300, ओके। अब प्यारे बच्चों इनको हम सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व कर लेंगे, है ना, तो सोल्विंग 1 एंड 2 क्या काम करे, 4x − y = 100, ये 1 है और इसको हम मल्टीप्लाई कर ले 4 से, तो 4x और दोनों को ऐड कर ले 28y और इक्वल टू 4 × 3 = 12, ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हमें मिलेगा सोल्व करके y 27y और ये हो जाएगा 12 और 100 1300, ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी किसकी, y की, 1300 अपॉन कितना 27, ये y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, किसकी वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन 1 में, x की वैल्यू मिल जाएगी, एंड x निकल जाएगा, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, x की वैल्यू 100 + y / 4, 100 + y / 4, ओके, यहां से ये वैल्यू x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिलेगी
तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों? टोटल चार्ज कितना होगा यहाँ पे बताओ, कितना हो जाएगा टोटल चार्ज, है ना? जो 4 माइक्रोफेरेड से यहाँ पे चार्ज आएगा और 6 माइक्रोफेरेड से, तो ये वैल्यू मिलेगी 4x प्लस कितना 6y, है ना? तो सी क्यू एफ निकल जाएगा, और क्यू एफ अगर निकल गया तो सी इक्वेलेंट भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, चलिए यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल टू 100 प्लस y 1300 अपॉन 27, और बाहर है कितना 4। ओके, ये आ जाएगा 27 और 13, ये हो गया 4000। ओके, यहाँ पर अपॉन में कितना 4, तो ये आ जाएगा कितनी 1000, इतनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू है ना। नाउ अब इजीली क्यू एफ निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से चार्ज जाएगा कितना क्यू एफ। ओके, यहाँ क्यू एफ आएगा, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा, यहाँ से इस कैपेसिटर से जो चार्ज आएगा, है ना, तो क्यू एफ कितना होगा 4x प्लस 6y। ओके, तो 4 × 1000 प्लस 6 × 1300 बाई 27। ओके, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी क्यू एफ की। एंड सी इक्वेलेंट क्या होता है? सी इक्वेलेंट बच्चों, सी इक्वेलेंट बताओ क्या होगा? सी इक्वेलेंट क्या होगा? क्यू एफ बाय वी। तो ये सब क्यू एफ, जितनी वैल्यू क्यू एफ की निकली वी से डिवाइड कर देना, वी की वैल्यू कितनी है 100, तो क्यू एफ बाय कितना 100। तो इजीली हमें क्या निकल जाएगा? सी इक्वेलेंट निकल जाएगा, है ना। तो हम नोडल एनालिसिस का यूज करते हुए, है ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।